स्वाई माधोपुर के रणथंबोर स्थित होटल क्लार्क्स इन में आगामी 1 फरवरी को मिसेस इंडिया प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, जिसमें भाग लेने वाली महिलाएं रणथंबोर पहुंच रही है। देश के सुदूर कोने कोने से महिलाएं मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंच रही हैं। यह प्रतियोगिता इसलिए भी बेहद खास होगी कि इसमें विवाहित महिलाएं बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही है। मिसेस इंडिया की फाइनल कंपटीशन से पहले सेमीफाइनल पूर्ण हो चुका है, अब फाइनल रणथंबोर में होगा। रणथंबोर के होटल में देशभर से आई विवाहित सुंदरिया कैटवॉक करती हुई नजर आई। मिसेस इंडिया 23-22 का फाइनल्स हो रहा है रणथंबोर में, ये 1 फरवरी को होगा यहाँ पे क्लार्क्स इन रणथंबोर में। इसमें जो महिलाएं हैं वो अलग अलग एज ग्रुप से हैं। मिसेस इंडिया बेसिकली ब्यूटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, जो विविधता है हमारे देश की, यू नो अरुणाचल प्रदेश की का कल्चर, फूड, वहाँ के लुक्स अलग है, साउथ के अलग है, नॉर्थ के अलग है, हमारा फूड कल्चर लगा, टूरिज्म रहा, ये सारा जो एक डाइवर्सिटी हमारे साथ है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं उन महिलाओं के साथ जिन्होंने अपने लाइफ में अचीवमेंट पा लिए। जो मिसेस इंडिया में आते हैं वो अबला नारी नहीं होते हैं, ये वो नारियां होती हैं जिन्होंने अपने लाइफ में स्टैंड लिया, जिन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस को देखा, लोगों को सक्सेस होने में हेल्प दी। तो ये बेसिकली रोल कैटेगरीज जो अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था एंड सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि चलो हमारी फैमिली में कोई है जो इस तरह की किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहा है, और सबका सपोर्ट था और सब लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मैं भी इसमें बहुत अच्छा फील कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम माय ओन प्रोफेशन बीइंग सो हेक्टिक यहाँ आने के लिए, उसके अपार्ट मेरे फादर जो बहुत देर से एक कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे थे, प्रोस्टेट कैंसर, सडनली पास्ड अवे 15 डेज बैक, एंड वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर थे, वही थे जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ भी हो